अर्जेंटीना में पहले सूखे से सोयाबीन की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से पहले से कम सोयाबीन उत्पादन के अनुमान का झटका लग चुका है। वहीं अब ब्यूनोस एयरस ग्रेन्स एक्सचेंज का कहना है कि अर्जेंटीना के कृषि क्षेत्र में शुरुआती ठंड 2021-22 सीजन के लिए सोयाबीन और मकई को और नुकसान पहुंचा सकती है। अर्जेंटीना सोयाबीन खल और सोयाबीन तेल का दुनिया का प्रमुख निर्यातक देश है और मक्के का दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक। हालांकि दिसंबर और जनवरी के बीच सूखे के कारण ब्यूनोस एयरस ग्रेन्स एक्सचेंज ने सोयाबीन की फसल के पूर्वानुमान में 2 मिलियन टन और मक्के में 7 मिलियन टन की कटौती की है। एक्सचेंज का अनुमान है कि अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन 42 मिलियन टन और मक्के का 49 मिलियन टन रह सकता है और इनकी अभी कटाई चल रही है। एक्सचेंज ने अपनी सोया के संदर्भ में अपनी साप्ताहिक मौसम रिपोर्ट में कहा कि पिछले 10 दिनों में देखी गई ठंड सोयाबीन में अपेक्षा से अधिक नुकसान उत्पन्न कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सोया की फसल की कटाई लगभग 19% पूरी हो चुकी है। वहीं मक्के के बारे में एक्सचेंज का कहना है कि मक्के की फसल अभी विकास के चरणों में है और मक्के की फसल की कटाई करीब 14.4% पूरी हो चुकी है। मक्के के उत्पादन अनुमान में एक्सचेंज ने 2 मिलियन टन की कटौती की है और इससे पहले भी मक्के के उत्पादन अनुमान में कटौती की जा चुकी है। वहीं रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने से सूरजमुखी की वैश्विक आपूर्ति के संकट के बीच ब्यूनोस एयरस एक्सचेंज ने आगे कहा कि सूरजमुखी की फसल की कटाई 88.5% हो चुकी है और उत्पादन अनुमान 3.3 मिलियन टन होने का है। रूस और यूक्रेन सूरजमुखी के मुख्य उत्पादक हैं। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।